जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अब शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर के एक स्कूल के अंदर, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर जो वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, उसमें स्कूल में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो आधार कार्ड के आधार पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। साथ ही जो बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यानी गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में करीब 35 लाख बच्चे हैं जो जिनका वैक्सीनेशन यहाँ पे होना है, और उसके लिए करीब 7 दिनों के अंदर ही गुजरात सरकार का टारगेट रखा गया है कि 7 दिनों के भीतर ही 35 लाख बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाएगा, जिसका जो डेटा होता है वो स्कूल के पास अवेलेबल है। और यही वजह है कि सारी जगह पर स्कूल में ही वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, स्कूल जाते हैं 15 से 18 साल के बीच में, डर लगता है जब आप स्कूल जाते हैं वैक्सीन नहीं लिया हुआ है? कभी कभी लगता है, क्योंकि बढ़ रहा है वायरस, इसीलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी नहीं लगवा रखी, लेकिन अब यूथ का हुआ है तो यूथ को लगवानी चाहिए, और पेरेंट्स को समझना चाहिए वैक्सीन जरूरी है। बिल्कुल, वैक्सीन जरूरी है। ये बताइए कि डर लगता है स्कूल जाने में? अब स्कूल भी शुरू हो गए, रेगुलर शुरू हो गए। हाँ, लगता है। अब वैक्सीन लगेगी तो सुरक्षित महसूस। ठीक है, हाँ ठीक है। गोपी, आऊंगी रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से हैं। जरा जल्दी से भोपाल के हाल भी जान लेते हैं। रवीश, बिल्कुल, जैसे देश भर में शुरुआत हो रही है आज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की, भोपाल में भी खासा उत्साह है। और आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 48 लाख बच्चों की पहचान की गई है, उन्हें चिन्हित किया गया जो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के हैं। और भोपाल के सुभाष स्कूल में जो मुख्य कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे, वहां पर सुबह से ही जो छात्र छात्राएं हैं वो पहुंच गए। उनके हाथों में आप आधार कार्ड देख सकते हैं उनके, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यवस्था की गई है कि यदि कोविन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है तो भी आप जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां जाकर के अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो 11 ओमिक्रोन के केसेस हैं, तो ये तमाम बच्चे हैं जो साथ में खड़े हैं। इनसे हम एक बार बस इतना जान लेते हैं कि इस अभियान को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के आप लोगों को क्या कहना? मन में अभी तक कोई डर रहता था? आप लोग जब स्कूल आते थे वैक्सीन नहीं लगी थी? वैक्सीन नहीं लगी थी जब, हमें ऐसा लगता था कि लास्ट ईयर हमने देखा है कि एग्जाम नहीं हुए थे, हमें ऐसा लगता था हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारा वेस्ट जाए। रवीश, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहित सिंह भी है इस वक्त पटना से, वहां पर भी चल लेते हैं। पटना के क्या हाल रोहित जी? देखिए, पटना में भी जो है 15 से 18 के बीच के बच्चे जो है उनके लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से काफी सारे बच्चे हालांकि वैक्सीन लेकर जा चुके हैं इस सेंटर पर, लेकिन अभी इस वक्त हम कुछ खास ज्यादा बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरीके से तैयारी भी यहाँ पर की गई है। और कुछ वैक्सीनेशन जो यहाँ पर लगाने वाले ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं। किस तरीके की आप लोगों ने तैयारी की है यहाँ पर बच्चों के लिए? यहाँ पे जो है मेगा सेंटर्स हैं, और सेंटर्स में आपका डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, और इनके लिए पर्टिकुलरली जो एज ग्रुप है 15 to 18, उसके लिए हमने सेपरेट डेडिकेटेड काउंटर्स बना दिए हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग कर दिए, ताकि जो भी क्राउड आज आएगा उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जो एवरेज टाइमिंग होता है वैक्सीनेशन का, वो 15 मिनट में हम कंप्लीट करने का ये टारगेट लेके ये सारी चीजें हुए। कितने बच्चों को वैक्सीनेट करने के आप लोगों का टारगेट है सेंटर पे? देखिए, ये सेंटर का जो कैपेसिटी है एवरेज आपका 3500 तक हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसी तरह से लोग जितने भी आएंगे कर लेते हैं। अनुपम मिश्र है वहाँ से। अनुपम, कोलकाता में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और वहाँ पर किस तरीके से इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल आर्या, इस वक्त कोलकाता में बच्चों के लिए एक नई उमंग की सुबह है, और लगभग 16 सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को 15 से 18 के बीच के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। मैं हूं शखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल में, यहां पर जो फिलहाल 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जहां बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और खासतौर पर बच्चों से हमने जो बात की वो उनमें एक तो एक्साइटमेंट है, दूसरा डर भी है। इंजेक्शन बच्चों में लगने का एक डर होता है, वो भी बात करेंगे हम, बच्चों से बात कर लेंगे कि क्या स्थिति है। और ये देखिए, ये इंजेक्शन लेके अभी अभी छात्र यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मतलब जो अनुभूति है, जो एक्साइटमेंट है और जो डर है, उन दोनों का सम्मिश्रण कैसा है। आपका वैक्सीनेशन हो गया है? आपका यहाँ पर आपका वैक्सीनेशन हो गया है, आपको क्या डर लगा इंजेक्शन से या उत्साह था, उमंग था? थोड़ा तो डर लग रहा था अभी, पर ठीक है। थोड़ा डर लग रहा था तभी, मतलब जब मास्क लगाना पर कितना अच्छे से लगाना पता ही नहीं। ठीक है।